सब क्षेत्र में एआई रो इंपैक्ट आगामी समय कौन रही चाहिए आ भितर आम अनेक एआई टूल्स को देखी सारे जहां न्यूज रूम एवं न्यूज रे अनेक परिवर्तन आनी केमिति परिवर्तन आणिब आगामी समय आगामी पांच वर्ष आगामी दस वर्ष जिते बे 2024 रो निर्वाचन को सामना करिया जाऊे से यार इंपैक्ट कौन रमें चर्चा करवा मु सरिंजू को प्रथम स्वागत करी मैम वेलकम टू ओडिशा क्या कहना चाहेंगे ओडिशा के बारे में दिस इज अ न्यू एज ओडिशा व्हाट यू वांट टू से फर्स्टली आई लाइक टू थैंक नंदी घोष टीवी फॉर कॉलिंग मी एंड सेकेंडली आई रियली लाइक टू थैंक योर न्यूज रूम फॉर ब्रिंगिंग अप अ टॉपिक दैट वेरी फ्यू ऑफ अस टॉक अबाउट टुडे व्हिच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यूज रूम्स इन फैक्ट इट सेज इम्पैक्ट ऑन टेलीविजन न्यूज रूम इट्स एन इम्पैक्ट ऑन ऑल न्यूज रूम्स डिजिटल न्यूज रूम्स एज वेल एंड सिर्फ न्यूज रूम्स नहीं सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अक्रॉस द कंट्री इसके बारे में एक डिस्कशन डिबेट एक डायलॉग करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अब एक चीज है एक फिनोमिनन है जो अब हमारी जिंदगी में आएगी आ गई है और रहेगी वेदर वी आर रीजनल चैनल वेदर वी आर अ नेशनल चैनल वेदर वी आर एन इंटरनेशनल चैनल मैम एक एंकर के तौर पे कई सारी चुनौतियां हैं कभी कभी लाइव को अब्रप्टली कट करना पड़ेगा कई कई प्रेस मीट आना ये सब चुनौतियां हैं कैसे एआई इसको सामना करेंगे आई थिंक अविनाश इसको दो चीज़ों में ब्रेक करना चाहिए हमारे न्यूज रूम में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम एआई यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप एक पॉलिटिशियन की 45 मिनट की इंटरव्यू लेकर आते हो पहले क्या होता था हम बैठ के सारा का पूरा ट्रांसक्राइब करते होते थे अब आपके पास एआई टूल है जो आप 45 मिनट को सारा टाइमलाइन के साथ आपको दे देता है ट्रांसक्रिप्शन करके उसके साथ में आपने जो उसको जिसको हम बोलते हैं समरी निकालनी होती है 45 मिनट की आपने 6 वीडियो निकालने हैं वो आज की तारीख में आप 5 मिनट में कर सकते हो जो पहले आपका रिपोर्टर बैठ के करता होता था दूसरी बात अगर आपको याद हो न्यूज रूम से होता था वॉइस ओवर कौन करेगा किसका अच्छा वॉइस ओवर है लड़ाई होती रहती थी राइट अब ठीक है मैं मानती हूँ कि जो एआई वॉइस ओवर है वो उस लेवल का नहीं है जो एक ह्यूमन वॉइस है लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो है आज की तारीख में जो पहले वॉइस ओवर्स होते थे ना जो 11 लैब्स और वो निकाल रहे हैं उसमें आप कह सकते हो फॉर्मल टोन कॉन्फिडेंट टोन सैड टोन स्पोर्टी टोन यू कैन से यस इट डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स इट डज नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन वॉइस ओवर बट देयर इज अ स्टार्ट अब जैसे आपने कहा कि लाइव कट कर रहे हैं तो एआई वाला जो है वो थोड़ा ही कर सकता है ठीक है उसमें जरूरत है किसी की जो एक एंकर बैठा हुआ है तो कैसे हमारे साथ ये कम्पीट करेंगे नो दे विल नॉट कम्पीट विद यू एआई अवतार्स आर एन असिस्टेंट जिस तरह से आप सोच लीजिए एक असिस्टेंट है आपका जो आपकी मदद कर सकता है सी लेट्स अंडरस्टैंड हम एक न्यूज रूम में हम जब चैनल चलाते हैं हम एंकर क्यों रखते हैं हम ऐसे ही न्यूज चला सकते हैं ना क्यों रखते हैं हम इसलिए रखते हैं बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स वी वॉन्ट टू सी अ फेस वी वॉन्ट टू सी एन इंटरेक्शन वी वॉन्ट टू सी समवन टेल अस दैट फार्मर्स ये कह रहे हैं फार्मर्स को ये पीड़ित है या इतने लोग मतलब आईएस क्लियर कर गए हैं सो इमोशन जो है जॉय हैप्पीनेस सैडनेस एवरीथिंग वी वॉन्ट अ ह्यूमन बींग टू कन्वे टू अस वो एआई या एआई का कोई अवतार कभी नहीं लेके जा सकता ओके वॉइस ओवर के बारे में आप चर्चा कर रहे थे वॉइस ओवर वैरायटी चाहिए कभी कभी धाकड़ वाला वॉइस चाहिए पॉलिटिकल स्टोरी है कभी कभी सैड वॉइस चाहिए कभी कभी जगन्नाथ जी का कुछ वॉइस चाहिए ये आगे देखते हैं कैसे एआई इसको कैसे आगे कर सकते हैं अगले 5 साल या 7 साल के बाद हम चर्चा करेंगे क्या देखेंगे 5 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली ओके इनफैक्ट 2 दिन पहले एक एआई टूल निकला उसका नाम है सोरा सोरा एआई टूल से आपने एक इमेज ले ली नॉर्मल इमेज मेरी ले ली एंड यू कैन गेट मी टू सिंग एज एड शीरन यू कैन गेट मी टू सिंग एज लता मंगेशकर यू कैन गेट मी टू रैप लाइक ड्रेक यू कैन डू एवरी ऑफ इट दे हैड ऑड्री हेपबर्न डूइंग एन एड शीरन सॉन्ग एंड इट वॉज वेरी रियलिस्टिक एक इमेज से तो घर में आपकी किसी ने इमेज ली उस इमेज पे आप ऑडियो लिप सिंक कर सकते हो टोटल ब्यूटीफुल लिप सिंक एक एंटरटेनमेंट मोगल है हॉलीवुड में उनका नाम है टाइलर पेरी ओके वो $800 मिलियन का एक स्टूडियो सेटअप कर रहे थे उन्होंने परसों ही उस स्टूडियो के बिल्कुल रद्द कर दिया कि अब हम नहीं करेंगे तो ये जो वॉइस क्लोनिंग है एक और है देयर आर सेवरल टूल्स दैट हैव कम अप फॉर वॉइस क्लोनिंग व्हिच इज दैट आपने
40 मिनट रिकॉर्ड किए, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट आपकी आवाज में आ सकता है. एंड आई टेल यू द ब्यूटी ऑफ दीज टूल्स, द ब्यूटी ऑफ दीज टूल्स इज दैट दे कॉस्ट $10, मतलब महीने का 1,000 रुपया 2,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप ये सारे टूल्स लिटरली आप इनको एज एन असिस्टेंट सोचिए वो आ जाते हैं. ओके मैम, ठीक है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे अगले 5 साल या 7 साल के बाद जो मानवीय संवेदना है खबर में, खबर को कैसे चलाएंगे, खबर को कैसे रसाई करेंगे, इसके लेकर आप क्या देखते हैं? Are you talking about political news? Are you talking about general news? Are you talking about entertainment? Everything. आप कह सकते हैं political news भी हो सकता है. So I'll say two things. One is that जहाँ data journalism बहुत use हो रही है, for example, Bloomberg, Reuters, India के भी काफी publications हैं जो stock market की earnings आती हैं, results आती हैं, they are all AI generated. There is no need for someone to sit and write it. पहले हम लोग खुद आई यूज टू बी अ बिजनेस जर्नलिस्ट, तो हम लोग खुद बैठ के स्टॉक मार्केट से ढूंढते थे क्या रिजल्ट आया है. अब अगर 3,000-5,000 कंपनीज हैं, नाउ यू कैन ऑटोमेटेड. सिमिलरली स्पोर्ट्स रिजल्ट्स आए, ठीक है, दे आर ऑटोमेटेड. थर्ड, अब इलेक्शंस आने वाली हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स जब आने हैं उसमें यही है ना, ये जीता ये हारा इतने से, राइट, दैट इज ऑल थ्रू AI. इनफैक्ट 2024 के इलेक्शंस में एट द नेशनल लेवल काफी चैनल्स इसको यूज कर रहे हैं. जहां पे आपको याद है हम लोग टिकर पे बैठ के डालते होते थे अब ये आगे चल रहा है चुनाव में, ये आगे चल रहा है, ऑल ऑफ दैट इज गेटिंग ऑटोमेटेड. द फ्लिप साइड ऑफ दैट ऑफ कोर्स इज दैट इट इज गोइंग टू इंपैक्ट जॉब्स. एग्जैक्टली, आई एम आस्किंग दैट थिंग्स. पहले कुछ सालों से पहले डाटा साइंस का एक बड़ा रोल था, AI का रोल 2024 इलेक्शन में क्या रहेगा, कैसे बेहतर हो सकता है इलेक्शन का कवरेज, इलेक्शन का गिनती? देयर आर टू साइड्स टू इट. वन इज द फेक न्यूज, जो सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है. आपको मालूम है इस साल में ओवर 70 कंट्रीज आर गोइंग इन फॉर इलेक्शंस, इंक्लूडिंग अस, राइट? 70 कंट्रीज आर गोइंग टू बी इलेक्शंस, एंड इट स्टार्टेड इन जनवरी विद बांग्लादेश. नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव? फेक न्यूज, राइट? यू पुट आउट न्यूज ऑन अ कोविड वैक्सीन सेइंग इट हैज टॉक्सिन्स. यू से सो एंड सो हैज, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर stock market because of this thing. Countering that is going to be our biggest challenge. And all of us who consume so much of this information on what we call the WhatsApp university, they are going to be the ones who are actually setting dangerous precedents. Positive side, you will have a lot of tasks getting automated. Ab aapne dekhna hai ki pichle 10 saal में या पिछले 15 साल में जितनी इलेक्शंस हुई हैं असेंबली लोकसभा उड़ीसा में, उसमें लेट से एक्स कंटेस्टेंट या एक्स कैंडिडेट ने कितने वोटों से जीता या कितने उसका था, दैट इन्फॉर्मेशन विल कम टू यू इन 30 सेकेंड्स. ओके, दैट इज द चेंज. नौकरी के बारे में बात करेंगे. आपण समस्तंकर ओटे प्रश्न थिबो जे AI आसिला परे आमे माने रहिबो कि नाही, आम मानकर कोन आवश्यकता हबो आगामी समय रे. मैम, इसके बारे में क्या कहेंगे? कई सारे चुनौतियां हैं हमारे सामने. क्या अविनाश सड़ंगी रहेंगे नंदीगोष टीवी पे, या मानस जी, शिशिर जी, जबर जी से लेकर चैनल चला पाएंगे आगे? I'm sorry, I didn't understand the question. क्या मेरे को जरूरत पड़ता है आगे नंदीगोष टीवी में? क्या मानस जी, हमारा जो चेयरमैन, शिशिर जी, जबर जी को लेकर चैनल चला पाएंगे आगे? कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, क्या हो सकता है? या CEO एंड एडिटर, ऑटोमेशन कई चीजों में नहीं हो पाएगी, कई चीजों में हो पाएगी. यू विल नॉट बी एबल टू, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं, सपोजिंग आपकी, आप रिपोर्टर हो, ठीक है, आप पिछले 10 साल से BJP कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप बनाते हो पॉलिटिशियन से, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, आप उनको ट्रस्ट करते हो, वो जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू वाली खबर आएगी वो आप ही से आएगी, AI से नहीं आएगी. लेकिन जब आप वापस आके रिसर्च करने लोगों में, अविनाश एक और चीज है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग AI. आप एक क्लिप देखते हो, उसके बाद एक और क्लिप रेकमेंड हो जाती है ना यूट्यूब पे, कि ये देखो, हु इज रेकमेंडिंग इट? AI. बाई यूजिंग गूगल, वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द AI लैंडस्केप. सी, AI इज एज गुड और एज बैड एज वी, योर मैनेजर्स, योर चेयरमैन मेक इट. ओके, कितना जब लेअप होगा, कितना जब जाएगा? अगर आप देखेंगे नंदीगोष टीवी में सपोज 150 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आगे जाकर आप देखेंगे कितना लोग रहेंगे?
इट्स हार्ड टू आंसर लाइक दैट बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स कि आपके चैनल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसका कंटेंट फ्लो रहेगा. लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में अभी तक और अगले कुछ सालों तक तो AI कैन नॉट बीट क्रिएटिविटी. तो अगर आप कोई सटायर करना चाहते हैं, आप अगर सो फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैन यूज AI टूल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे एडिटिंग में यूज हो गया, ग्राफिक डिजाइन में यूज हो गया, वॉइस ओवर में यूज हो गया, ऑडियो जैसे आपने पॉडकास्ट में यूज कर लिया. लेकिन स्टोरी टेलिंग में आप AI नहीं यूज इस्तेमाल कर सकते. हालांकि देर आर पीपल हु यूज स्क्रिप्ट क्योंकि वो फिर कॉपीराइट का इशू, पायरेसी का इशू आ जाता है. लेकिन दैट विल नॉट गेट रिप्लेस्ड. सो अगर आपको याद हो 6-7 साल पहले ना हम लोग सर्वर्स यूज करते थे अपने PCR में, बड़े बड़े सर्वर्स लगाते थे. फिर आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग. राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबने कहा, ऑल नेटवर्क इंजीनियर्स अक्रॉस द कंट्री सेड, अरे सर्वर्स के को कैसे हटा सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में इतना खर्चा हो जाएगा, किसी को अपना सारा डेटा दे रहे हो, सारी अपनी स्टोरीज उनको दे रहे हो. टुडे एवरी न्यूज रूम अक्रॉस द कंट्री इज ऑन द क्लाउड. ओके, सो यू कांट गेट अवे फ्रॉम AI. यस, इट विल इम्पैक्ट जॉब्स. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट विल इम्पैक्ट जॉब्स. हाउ मेनी परसेंट? आई थिंक इफ आई कैन स्ट्रेच अ लिम, 50% जॉब लेप होगा, 50% चाकरी जीवो यदि AI आगामी समय आसुची. मेरा अगला सवाल मैम रहेगा, अगर आप एक ह्यूमन पत्रकार और AI को टटोलेंगे काबिलियत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, कौन आगे रहेगा काबिलियत, ह्यूमन पत्रकार और एक AI? आई डोंट थिंक देयर इज अ कॉम्पिटिशन. ओके, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. आई थिंक AI कैन असिस्ट A reporter, do better stuff. लेकिन मैं आपको एक और चीज बोलूं, ये हमारे न्यूज रूम्स में अभी है क्योंकि अभी क्यूरेशन बहुत बढ़िया डिजिटल न्यूज रूम्स में. वो ये है कि बोलते हैं अच्छा AI आ गया, अब तुम 5 आर्टिकल की जगह 10 आर्टिकल लिखो एक शिफ्ट में. राइट, सो इफ इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वी कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी, देन देर शुड बी अ चेंज इन द न्यूज रूम. सी द अदर थिंग इज All your audiences have so much of content coming to them. ठीक है, Instagram है, YouTube है, Facebook है, हमारे जो घर में बना video है वो है, right? So the competition is very intense. Okay. So what is going to be the differentiator? The differentiator is going to be the kind of content a human being creates. Are they in a parallel line में अभी है वो दोनों? Sorry? ये दोनों अभी parallel line में है? नहीं, ये आप अगले 12 महीने में जो चेंजेस देखोगे उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी. एक और चीज है, आप जॉब्स की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा सा फ्रॉम एन ओनर पॉइंट ऑफ व्यू बात करना चाहती हूँ. 2003 में हम लोगों ने 5 चैनल्स का एक बजट लिया था 180 करोड़ का. ठीक है, आज की तारीख में 20 करोड़ में आप 10 चैनल सेटअप कर सकते हो. अच्छा, ठीक है. सो क्या होता है कि आप कोई भी चैनल सेटअप कर सकते हैं, एंट्री बैरियर बहुत लो है. सो व्हाट इज इट दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, एंड दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज. आवर बिगेस्ट चैलेंज इज क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड सेकंड डिस्कवरेबिलिटी ऑफ कंटेंट. मैंने बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना दी, मैंने बहुत बढ़िया एक शो बना दिया, लेकिन अगर कोई किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, AI इज अ वेरी बिग हेल्प. Okay, my next question is editorial policy. This is the primary things of the channel. You may call it compulsion, you may call it discipline. AI कैसे समझ पाएंगे? What is your editorial policy? कैसे मुझको जाना है? कैसे मुझको अखबार लिखना है? कैसे मुझको खबर लिखना है? I don't think you should expect AI to be doing that. AI ये काम नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने अपने टूल्स के बीच में एडिटोरियल पॉलिसी ठीक ठाक आपने एक डॉक्यूमेंट कर दी, तो वो जो भी करेगा उसी के हिसाब से करेगा. इट्स लाइक अ रोबोट, राइट? इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. इट जस्ट लुक्स एट योर डेटा एंड सेज अच्छा अविनाश को लाल रंग पसंद है, अविनाश ऐनक पहनता है, अविनाश रोज सुबह एक्सरसाइज करता है, अविनाश को पखाल बहुत पसंद है. सो एवरी टाइम इट विल गिव यू रिकमेंडेशंस ऑन दैट. That it'll give you tips on nutrition, it'll give you tips on running. So it's a database, it's an intelligent database. AI, Odisha mein ek channel mein ek AI anchor hai.
आगे जाकर आप कैसे देखेंगे? अभी तो ये वेदर रिपोर्ट में सीमित है, कितने सक्षम होंगे या आगे? इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल, सो यू नो इन एवरी इंडस्ट्री, और हमारी इंडस्ट्री में एक होता है टेक्नोलॉजी टेकर, एक होता है टेक्नोलॉजी मेकर. हम एज अ कंट्री टेक्नोलॉजी मेकर नहीं है, हम टेक्नोलॉजी टेकर हैं. लेकिन हम एक चीज बहुत बढ़िया करते हैं, हम उसको कस्टमाइज और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं, राइट? सो द एआई एवटार इज व्हाट? इट्स वन सिंपल टूल, राइट, जो उन्होंने यूज किया हुआ है. लेकिन अब उसको मैं किस तरह से मॉडिफाई करके उसको एक उड़िया स्किन टोन या उस तरह से उसकी लिप सिंक ठीक करूं, उस पर बहुत डिपेंड करता है. लेकिन आई बिलीव द ह्यूमन प्रेजेंटर, द ह्यूमन रिपोर्टर विल नॉट गेट रिप्लेस्ड. ओके, इट कैन नॉट रिप्लेस ए ह्यूमन रिपोर्टर. यू कैन नॉट. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आगे? एआई को आप एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग इज कंसर्न्ड एज फार एज, कैसे देखेंगे एडिटिंग और ग्राफिक्स? एडिटिंग के पार्ट में एडिटिंग एंड ग्राफिक्स इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय कंटेंट क्रिएटर्स इन पीपल्स होम्स. एक टूल है जो आप अपने फोन पे यूज कर सकते हो, कॉल्ड कैपकट. फ्री टूल है. इट हैज बीन बैंड इन सर्टेन पार्ट्स बिकॉज़ इट्स फ्रॉम चाइना. बट विद दैट ऑन योर फोन, अब आप सोचो आपका फोन है, आपकी सिस्टर है, शी इज 16 और 17, शी शूट्स, शी देन रिकॉर्ड्स हर वॉइस ओवर ऑन दैट फोन, देन शी गोज एंड पुट्स सम इफेक्ट्स ऑन इट, ग्राफिक डाल देगी उस पर, टेक्स्ट डाल देगी, इमोजीज डाल देगी और म्यूजिक डाल देगी, ठीक है? और उसी में वो सिंपल टाइमलाइन कट कर लेगी. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टुडे ऑन इंस्टाग्राम, इजंट इट? इंस्टाग्राम इज ऑल्सो एन एडिटिंग टूल यूजिंग एआई. कैनवा, अ टूल विच इज फ्री फॉर मोस्ट पीपल बट एक्चुअली कॉस्ट 1,000 rupees इज पर मंथ, इज रिप्लेसिंग ग्राफिक डिजाइनर्स. सो दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग एंड दैट यू कैनॉट डू अवे विद. इट्स कटिंग कॉस्ट. यस, बट इफ यू आर गोइंग टू मेक द काइंड ऑफ फिल्म, फॉर एग्जाम्पल रेवती अ फिल्म मेकर वुड मेक, नो अमाउंट ऑफ एआई इज गोइंग टू हेल्प. इट इज ऑल हियर एंड हियर. मेरा आखिरी सवाल, ये जो सकारात्मक और नकारात्मक दिगे के बारे में, दिशा के बारे में आप चर्चा करेंगे, क्या नकारात्मक दिशा है? नकारात्मक यही है जो हम एक बात करते हैं फेक न्यूज की, दूसरी बात है एथिक्स, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉपीराइट. मैंने एक गाना बनाया, आपने उसमें ड्रम बीट डाल दी और अपना क्लेम कर दिया. आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, आपने एक बहुत लंबी स्टोरी लिखी ऑन लेट्स से क्लाइमेट चेंज. मैंने आपकी स्टोरी उठा के उसमें इंट्रोडक्शन बदला, नीचे से बदला और डाल दिया मैंने चैट जीपीटी में या जेमिनी में, और उसको लिख दिया रीराइट दिस, समराइज दिस, और आपने अपना बना लिया. बट देयर आर टूल्स दैट आर कमिंग अप व्हिच कैन चेक दैट. बट ये अभी उस लेवल पे है जहां पे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, एथिक्स, फेक न्यूज एंड कॉपीराइट इश्यूज आर सम ऑफ द वेरी बिग चैलेंजेस टुडे फॉर एआई. ए सबु गुड़ी को एआई पाई बहुत चैलेंज अछि. आशा करा जीव जे आगामी समय रे एआई ए चैलेंज रु, ए आह्वान रु बाहरिबो एवं किछि नुवा दिशा आनिबो. अनेक अनेक धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको. अपन सुनुथले शेरिन सेठी मैडम कर ये एआई संपर्क रे न्यूज रूम बा न्यूज कक्षा में क्या प्रभाव होगा, कौन प्रभाव पड़ो को क्षेत्र में, एडिटिंग कहतु, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कहतु, एंकरिंग कहतु, स्क्रिप्ट राइटिंग कहतु, किंतु एपर्यंत गोटे मनीष पत्रकार भूमिका एआई नहीं पारी ना ही. किंतु आगामी समय डब कॉस्ट कटिंग करिबो, मैडम जिमती कहते 50% रही पारे लोक आउ काम न करी पारंती ए मीडिया इंस्टीट्यूशन गुड़ी करे.